अभी भी अपना किसी खास से मिलने आओ कभी भी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी चल रहा है अप्रैल और मेरे 90 डेज व्लॉग चैलेंज का डे 76 है आज। मैं हूँ अभी दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे और मेरा जिगर का टुकड़ा बाहर वेट कर रहा है। बाहर निकलते हैं, उससे मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। देखो, जब जिंदगी में लगे हो लोटे तो क्या करेगा अपू खोटे। अपन गलत साइड आ गए, अपना बिरादर उस साइड है। चलते हैं, बिरादर से मिलवाते हैं आपको। तो सुबह सुबह ये इंसान अलग गोल गोल रानी खेल रहा है। मैं इधर से आया, ये भाई उधर से गए। तो मैं आया इधर से, ये गया उधर से, ये आ रहा है सामने। किसके आग लड़का है, किसके आग लड़का है किसके आग लड़का है, किसके आग लड़का है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में, 1000 सब्सक्राइबर खुशी, एक साल बाद फिर दिल्ली में, एक साल बाद फिर से दिल्ली में। हाँ यार, लास्ट टाइम दिल्ली से गए थे ना, लास्ट टाइम दिल्ली से गए थे अपन अलग अलग घूमने, मैं भूल ही गया था। इस बार फिर से कई प्लान बनाएंगे और बहुत जल्दी कहीं ऐसी जगह लेके जाएंगे जो आप देख के हैरान हो जाएंगे। सालों पुरानी कथा है, करम या कांड। तो जिन लोगों को पता है उनको तो सही है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये मेरा छोटा भाई है, सगा भाई, और ये इसी के नाम का झोला है। इस झोले पे जो नाम लिखा है इसी का है, पकड़ ले। और अभी बैग में झोला भर के सामान इसी को देना है। इतने दूर से मैं पहले चीज़ जो करने आया वो इससे मिलने आया हूँ, दूसरी चीज़ वो आपको कल के व्लॉग में बताऊंगा या फिर आगे ज़रूर बता दूंगा। तो अभी हम लोग वॉक करते करते जा रहे हैं पीजी, भाई के पीजी। वहाँ जाके फ्रेश व्रेश होंगे, थोड़ा देर सोएंगे, थोड़ा देर क्या, बहुत देर सोएंगे, बहुत थकान लग रही है। सो वेलकम टू स्काई होम्स, भाई यहीं पर रहते हैं। तो घर वालों को जिनको जिनको भाई का पीजी देखना था, तो इसी एरिया में, ये रही रोड, ये रहा बिल्डिंग, और ये छठे फ्लोर पर ले रखा है रूम। पीजी का गेट तो बढ़िया है, अब चल के देखते रूम कैसे। तो एंट्रेंस तो अच्छा है, मैस बता रहा है छत पे ही है। आज का कम चढ़ना उतरना क्यों, मैं मेट्रो में जो है अलग से 6 फ्लोर चढ़ा रहा है मेरे को। हे भगवान उठा ले, एक फ्लोर और नहीं चढ़ सकता मैं अब। ये देख लो उसको, चढ़ चढ़ के पतला हो गया है, इतना कार्डियो क्यों करता है भाई। रूढ़ी बनेगा तू, रूढ़ी बनेगा। तो ये रहा टेरेस व्यू, यानी कि 6th फ्लोर, और ये रहा भाई का रूम। अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, लाइट अंदर है, ये तेरा रूममेट सो रहे। फाइनली पहुंच गया भाई, फाइनली। तो ये रहा इसके रूम के बाहर का व्यू, यहीं खाना लगता है, रूम से निकले खाएं और फिर इससे घुस के सो जाएं। और कौन बोलता है दिल्ली में पोल्यूशन नहीं है, ये बिल्डिंग छोड़ के पीछे कुछ दिख ही नहीं रहे, पूरा पेंट हाउस वाला फीलिंग दे रहा है। आसपास उधर मेट्रो स्टेशन दिख रहा है, इधर बिल्डिंगें दिख रही हैं, इधर हाथ में चाय है, बस नशे अपन करते नहीं, तो वो भी करते हैं बैठ के। चाय पीना हो गया, और अब ट्रैवल कर करके जो हालत ख़राब हुई है उस थकान को मिटाने के लिए नहाना ज़रूरी है। तो चलते हैं नहा लेते हैं अभी, फिर उसके बाद लंबा लेट हो गया, सोऊंगा अच्छे से। तो भाई अभी निपटा रहा है अपना कुछ ज़रूरी काम, और ये जो टांगे दिख रही हैं इसके रूममेट की हैं। तो नहाना धोना हो गया, फीलिंग मच बेटर नाउ, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ भूल गया, ब्रश करना है। हड़बड़ी में नहा तो लिया कि रिलैक्स हो जाऊंगा, लेकिन दंत मंजन कौन कसेगा। खा के सो जा, सो के खाएगा तो खाना चलो जाएगा। तो सारे काम हो गए, बस ब्रेकफास्ट करना बचा था। थेपले खिला रहा है भाई आज, इसके मैस के थेपले। और लंच करने अपन बाहर जाएंगे, देखते हैं कुछ अच्छा खाएंगे। पूरी ट्रेन जर्नी का असर अब समझ में आ रहा है, रात भर जो ट्रेन ने हिलाया ना, अब पूरी बॉडी दुख रही है। तो भाई तो अभी सो रहा है, मेरे को लग गई थी भूख, तो मैं सोचा बिस्किट ही खा लेते हैं, जब भी उठेगा तब लंच करने जाएंगे। और चेतक एक्सप्रेस ने जो मेरे शरीर का हाल किया है वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। एक तो ट्रेन बहुत फास्ट है, ऊपर से ऐसे ऐसे हिलते हिलते चलती है, तो पूरी बॉडी इतनी शेक हुई रास्ते भर की, अभी उसका दुख और दर्द समझ में आ रहा है सोते सोते। नींद भी नहीं हो रही और बदन अलग दुख रहा है। बिस्किट से मन नहीं भरा, शुगर लेवल तो ठीक कर लिया, आप सॉल्ट लेवल भी ठीक कर लेते हैं। तो दिन के टाइम भाई के पीजी से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। भाई तो मस्त घोड़े बेच के सो रहा है, और मैं उठनी बेच के सो नहीं पा रहा हूँ, मेरी कमर भी दुख रही है, रात भर नींद वैसी पूरी नहीं हुई है, और अब भूख लग रही है। और मैं सोच रहा हूँ भाई उठे आराम से, तब जाए कुछ खाना ना खाने, और तब तक कुछ नहीं तो लेटे लेटे व्लॉग एडिट कर लेता हूँ, थोड़ा अपना वर्कलोड कम हो जाएगा। और भाई साहब इतनी बिल्डिंग है, इतनी बिल्डिंग है, और जस्ट बगल से मेट्रो जाती है, थोड़ा और पास से जाती है तो डायरेक्ट कूद के चढ़ जाते हैं। एक जाती है, दूसरी आती है। देखो, तीन चीज़ों के पीछे लाइफ में कभी नहीं भागना चाहिए, लड़की, बस और मेट्रो या ट्रेन। तो करते करते बहुत सारा आराम हो चुकी है, शाम 5:30 बजने वाले हैं। भाई थोड़ा सो रहा था तो मैं उठाया नहीं, और मेरे को जोर की भूख लगी है, चलते हैं लंच करते हैं। तो शाम से याद आया, जनवरी में लंच करके भाई मेरे को छोड़ने आया था दुर्ग स्टेशन, और अभी अपन आज लंच करने जा रहे हैं लगभग 2.5 महीने बाद साथ में। तो यहाँ तक 2.5 महीने, उसको क्या मतलब, लगभग 3 महीने बाद अपन लंच करने जा रहे हैं साथ में। तो यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। तो हम लोग अभी ढूंढने निकले हैं जूस, क्योंकि थोड़ी देर बाद डिनर मिल ही जाएगा, तो सोच रहे हैं जूस पी लेते हैं और कुछ हेल्दी खा लेते हैं। अपने को जूस की दुकान मिल गई है, जूस तो नहीं पियेंगे अपन, शेक पियेंगे, बनाना शेक। तो बनाना शेक पीना एक अच्छा ऑप्शन था, वैसे भूख बहुत जोर से लगी थी, लेकिन बनाना शेक से थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अब अपन खाने जा रहे हैं मुंबई का निखिल का फेवरेट आइटम, फलाफल। बस रोड साइड वाला इफेक्ट है थोड़ा इसमें, रोड साइड वाला मजे। ये है तो वेज, लेकिन पूरा नॉन वेज वाली फीलिंग दे रहा है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है।
तो बनाना शेक पी के और फलाफल खाने के बाद हम लोग कर रहे थे आराम, और आराम इसलिए कर रहे थे क्योंकि आज रात में कहीं जाना है, और जहाँ जाना है वो एक ऐसी चीज के लिए जाना है जो मैं काफी सालों से ट्राई कर रहा हूँ। बचपन का सपना है, बचपन का सपना है, मुझे बस साथ में जाना था, बस साथ में जाना था, और मैं पहले भी जा चुका हूँ, मैं कम से कम 4 साल तक ट्राई किया हूँ उस चीज के लिए, और देखते हैं एक बार और ट्राई करने में क्या ही जाता है। तो इस बार अपन दोनों साथ में जाएंगे, मैं अभी तक अकेले ट्राई किया हूँ, तो आपको पूरी बात पता चलेगी नेक्स्ट व्लॉग में, अगला व्लॉग जरूर देखें। सो दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ टुडेज व्लॉग, मिनी व्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना, मिलते हैं कल शाम को, गुड नाइट, स्लीप टाइट। नीचे एक लाल कलर का बटन होगा, उसको जरूर दबाएं। बटन काला हो गया, अरे यार अपडेट हो गया, वो बटन अपडेट हो गया, पहले लाल हुआ करता था अब काला हो गया, पहले इस कलर का था अब इस कलर का है, ठीक है तो उसको दबा दें। सो 90 डेज व्लॉग चैलेंज का डे 76 कंप्लीट, सायोनारा, कल आना।